अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को टेस्ट प्रिपरेशन एमसीक्यूज़ के चैनल में खुश आमदीद कहते हैं। और इस वीडियो में आप लोगों के साथ इंतहाई अहम कंप्यूटर के रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं, जो तकरीबन हर पेपर में बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो वीडियो को गौर से देखें, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप लोगों तक बर्वक पहुँचती रहें। इसके अलावा कोई भी मालूम चाहिए या पास पेपर तो हमें कमेंट में ज़रूर आगाह किया करें। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला एमसीक्यूज़ है, द टर्म कंप्यूटर इज ड्राइव फ्राम, जो कंप्यूटर की टर्म है ये कहाँ से ड्राइव किया गया, किस लैंग्वेज से। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, लैटिन से। नेक्स्ट है, हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के फादर किनको कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। नेक्स्ट है, हु इज़ द फादर ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट का फादर किसको कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वेंट कर्फ को कहा जाता है। फोर्थ क्वेश्चन है, WWW स्टैंड फॉर, इससे क्या मफ़ब बनता है। तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वर्ल्ड वाइड वेब। फाइव क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम MS-DOS इज, जो MS-DOS है ये किस टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कमांड लाइन इंटरफेस। सिक्स क्वेश्चन है, विच टेक्नोलॉजी इज यूज इन कम्पैक्ट डिस्क, कम्पैक्ट डिस्क जो होती है उसमें कौन सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लेजर की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती है। सेवेंथ क्वेश्चन है, द ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम इज, जो कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है उसको, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, CPU को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर एट है, एनालॉग कंप्यूटर वर्क ऑन द सप्लाई ऑफ डैश, जो एनालॉग कंप्यूटर होता है वो किस किस सप्लाई से काम करता है। तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कंटिन्यूस इलेक्ट्रिकल पल्सेस के सप्लाई के बाद ये काम करता है। नेक्स्ट है, द कंप्यूटर दैट प्रोसेस बोथ एनालॉग एंड डिजिटल इज कॉल्ड, वो कौन सा कंप्यूटर है जो एनालॉग और डिजिटल दोनों तरीके से प्रोसेस करता है। तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हाइब्रिड कंप्यूटर कहा जाता है उसको। टेंथ है, CD रूम स्टैंड फॉर, तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमरी। 11th क्वेश्चन है, VGA इज, VGA क्या है। तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वीडियो ग्राफिक अरे। 12th क्वेश्चन है, डैश इज कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर, जो मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर है इसके फादर किसको कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। नेक्स्ट है, हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर साइंस के फादर कौन है। तो उसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, एलन टर्निंग जो है इनके फादर माने जाते हैं। नेक्स्ट है, द फर्स्ट कंप्यूटर वर प्रोग्राम्ड यूजिंग, जो पहला कंप्यूटर था जो उसका प्रोग्राम रन करने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मशीन लैंग्वेज का। नेक्स्ट है, वी डिवाइस इज रिक्वायर्ड फॉर द इंटरनेट कनेक्शन, इंटरनेट को कनेक्ट करने के लिए या कनेक्शन बनाने के लिए किस चीज़ या कौन सी डिवाइस इस्तेमाल की जाती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मोडेम का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है, व्हाट इज लाइट पेन, लाइट पेन क्या चीज़ है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस है ये। नेक्स्ट है, जंक ईमेल इज आल्सो कॉल्ड, जंक ईमेल को क्या कहा जाता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्पैम। नेक्स्ट है, अ कंप्यूटर कैन नॉट बूट इफ इट डज नॉट हैव द, कंप्यूटर बूट नहीं करता अगर उसमें, ऑप्शन नंबर सी जो इसका करेक्ट आंसर है, ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो तो वो बूट नहीं करता। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टोरेज डिवाइस, यहाँ पे तीन ऑप्शन है, तीनों करेक्ट हैं, हार्ड डिस्क, टैप और फ्लॉपी डिस्क। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, पहली जनरेशन ऑफ कंप्यूटर कौन सी थी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यूनिवैक, UNIVAC, ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, चीफ कंपोनेंट ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वाज, जो मेन कंपोनेंट थे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के कौन कौन से थे। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वैक्यूम ट्यूब्स एंड वाल्व्स। नेक्स्ट है, द आउटपुट क्वालिटी ऑफ अ प्रिंटर इज मेजर्ड बाय, जो प्रिंटर की क्वालिटी होती है उसको मेजर करने के लिए क्या चीज़ इस्तेमाल की जाती है या किस तरह की जाती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, डॉट पर इंच। नेक्स्ट है, मॉडर्न कंप्यूटर आर वेरी रिलायबल बट दे आर नॉट, जो मॉडर्न कंप्यूटर है ये रिलायबल है बट क्या चीज़ नहीं है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, इनफेलिबल। नेक्स्ट है, DOS स्टैंड फॉर, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है इसको। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनपुट डिवाइसेज, और यहाँ पे जो MCQs है इसमें माउस, कीबोर्ड या कार रीडर ये तीनों इनपुट डिवाइसेज हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव।
Next है, which of the following is also known as brain of computer? Brain of computer कहा जाता है किस चीज को? Correct answer option number B, central processing unit. तो इसका जो short form है CPU कहा जाता है इसको. Next है BIOS, BIOS stand for. तो इसका correct answer option number A, basic input output system. इसका stand for है. Next, the dash is the functional key to display save as box. कौन सी function key इस्तेमाल की जाती है जो save as box को open करने के लिए या display करने के लिए? Correct answer option number D, F12 key. Next, RAM stand for RAM. तो इसका correct answer option number D, random access memory. अगर next है 1 byte is equal to, तो इसका correct answer option number A, 8 bits होते हैं एक byte में. I hope आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी. वीडियो को जरूर लाइक किया करो, कमेंट में बताया करो. कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए या कोई भी राय देने के लिए दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दें ताकि उनकी मालूमात में भी इजाफा होता रहे और प्रिपरेशन होती रहे. चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इससे आपका हमारा रहता है बरकरार. नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं. अल्लाह हाफिज़.